Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. इसकी चली ठोस कभी उसकी धमाधम खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी ये दुनिया गजब की ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कब थी ये दुनिया गजब की ये दुनिया गजब की वो साहब क्या है मैं ये कागज ले आया हूँ कौन सा कागज जमीन दिलाने का अरे जमीन क्या कागज से मिलती है सरकारी हुक्म से मिलती है तो सरकारी हुक्म भी आ गया होगा सरकारी नहीं आए हुक्म क्या सरकार से पहले आएगा तो मतलब साहब आज भी नहीं आए अरे नए साहब है दो चार दिन तो लग ही जाएंगे आते आते कल आना मेरे भगवान जी आज कल का चक्कर कब खत्म होगा सब्र से काम लेना जरा घूम फिर के आओ पान बान खा के आओ अरे निहाल जी जैसा आप कहोगे वैसा पान बना के खिलाएंगे आखिर हमारा तो धंधा है कहो कौन सा पान खाओगे कलकत्ता बनारसी की सादा अरे कलकत्ता खिलाओ वो एसडी का खास आदमी है जो मैं काम वाम हुआ तुम्हारा अजी कहाँ साहब मैं तो नियम से हर रोज जा रहा हूँ दफ्तर लेकिन काम है कि हो ही नहीं रहा अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी फाइल ऑफिस से निकली ही ना हो क्या बात कर रहे हैं भाई साहब मेरी फाइल मेरे सामने ओएसडी साहब अपने साथ लेकर गए हैं अरे फाइल ही तो ले गए हैं ना कोई खजाना तो नहीं जो जाके उन्होंने गार्डन में गाड़ दिया हुआ तो फाइल वापस भी तो भेजी होगी ना मैं समझ गया तुम्हारा चक्कर तुम्हारी फाइल ऑफिस में वापस आकर दबा दी गई होगी मैं इन बाबुओं की नस पहचानता हूँ क्या मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि मेरी फाइल वापस किसी दफ्तर में पहुंच गई होगी अरे और नहीं तो क्या एक बार जाकर पूछो तो सही और साथ में बाबू लोगों को पान का बीड़ा भी खिला देना अच्छा जो मैं चलता हूँ मेरे पान के पैसे भी इनसे ले लेना निहाल जी से पान सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा भाई साहब आपका मतलब यह है कि मैं सभी बाबुओं को पान का बीड़ा खिला दूं खिला दो साहब जी पान लाया हूं सबके लिए अच्छा आप खा रहे हैं साहब जी नमस्ते अरे निहाल फाइल इसी फाइल के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ चौबे जी ठीक कह रहे थे चौबे जी हाँ पनवाड़ी जी हाँ मैं तो बेकार में चक्कर काटता रहा उनके जबकि मेरी फाइल यहाँ है कौन सी फाइल वही जो ओएसडी साहब के यहाँ से वापस आ गई है ये वाली साहब जी पान खाइए ना क्वालिफाइड है यहाँ पे है देव सब पहले अरे भाई पान लाए हो तो खिलाओ सबको देखो मेरे पान पे चौबे ने अलग से चूना लगाया होगा चूना ही लगवा रहा हूँ सबको खिलाओ सबको खिलाओ भाई पान खाओ निहाल जी जिंदाबाद ओ निहाल है सबको पान खिलाओ खाइए खाइए मैं भी खा लूं भाई मुफ्त का माल है खा लो हाँ लीजिए लीजिए मीठा पान कौन सा है मीठा ये वाला मैडम को भी दो मीठा है क्या जी है ना ये लीजिए मैडम ये मीठा ये थैंक यू जी निहाल जी पान खिला चुके जी सर अब बहुत हो गया अभी काम कर पाएंगे बाप लेकिन मेरी फाइल बोला ना बात में आना चलो चलो मुझे पहचाना अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ
इस शहर में? ये सब तुम्हारी मेहरबानी है निहाल। तुमने वो जो डाकू पकड़ा था ना गांव में, अरे वही जिसकी वजह से तुम्हें इनाम देने के लिए घोषणा हुई थी, भूल गए क्या? उस घोषणा को भला मैं कैसे भूल सकता? मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। उसकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे शहर भेज दिया गया। और सुनो, वो डाकू मेरी हिरासत में है। अगर कभी आपको मिले तो मेरा राम राम कहिएगा। अरे वो तुम्हारे नाम से थर थर कांपता है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे नाम से थर थर कांपता है और मैं उसके इनाम से थर थर कांपता हूँ। तुम्हें इनाम तो मिल गई ना? अभी कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस डाकू को पकड़ के बहुत बड़ी गलती की। क्या कह रहे हो निहाल? सच कह रहा हूँ। डाकू पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके इनाम की वसूली करना बहुत मुश्किल। देखो क्या है निहाल, दफ्तरी काम काज में थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है। तुम्हें इनाम जरूर मिल जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा तुम ये बताओ, इस वक्त तुम रह कहाँ रहे हो? वो जी, वो अपने गाँव के जो राजा साहब है ना, उसी शहर में रहते हैं, बस उन्हीं के यहाँ टिका हूँ। अरे वाह, तब तो उनसे हम भी मिलना चाहेंगे। जी जरूर। भाई हमको उनका एड्रेस दो, हम वहाँ पर मिलने आएंगे। लिखिए। हाँ, तुम्हारे पास कागज है? कागज जी है। वेरी गुड। क्या एड्रेस उनका? नंबर वन। नंबर वन? क्या कहा? शक्ति सिंह जी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे? अरे खींच निकालो उसे बाहर और उसे ये खबर दो कि उसका तोता बहुत बीमार है, उसका पोता बहुत बीमार है, और जल्द से जल्द यहाँ आकर उसे ले जाए। हाँ प्लीज, मेहरबानी करो हम पर। थैंक यू। ऐसा क्यों हो रहा है बेटी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पापा मैं तो थक गई हूँ ईमानदारी करते करते उस टिश्यू पेपर की। देखो बेटी, वो टिश्यू पेपर है ना, शक्ति सिंह जी की अमानत है, और जब तक वो आकर उसे यहाँ से ना ले जाए, हमें ये सब करना पड़ेगा। आगे अंकल, आई एम फीलिंग ग्रेट। गुड, नाउ गो होम स्ट्रेट। मेरा मतलब है बेटे, आप सीधे अपने घर चले जाओ। नहीं अंकल, ग्रैंडपा गुस्सा करेगा। मैं अभी जॉगिंग करने जा रहा हूँ। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। आराम? आराम हराम है। बेटी पकड़ो उसे, जॉगिंग करते करते यहाँ वहाँ उसके पुर्जे गिर गए ना, तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। निहाल जी, जी सरकार। अरे उड़ गया वो टिश्यू पेपर कहीं जॉगिंग करने के लिए। वो कुंवर साहब दौड़ने गए हैं क्या? हो गया, कुछ टिश्यू पेपर को हो गया। हो गया, चलो। मेरे सर पर बम गिरी शिवागी जी। बम नहीं, कोर साहब, ये अंडा, अंडा। अरे भाई ये अंडा नहीं, ये गोल्फ बॉल है। ये यहाँ पे कैसे आया? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, माफी चाहता हूँ, मैं गोल्फ खेल रहा था, वो वहाँ की दीवार से टकरा के बॉल यहाँ कहीं आ गई, आपको मिली है। आपकी तारीफ। ओएसडी मूलचंद। मूलचंद, मूलचंद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रीन हाउस। साहब मुझे पहचाना? नहीं तो। अरे बेहाल, निहाल, 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 कैसे हो निहाल भाई? तुम यहाँ कैसे? साहब जी मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, और तुम? हम यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी तुम इनके घर में रहते हो? तौबा 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 साहब जी, ये हमारी रियासत के राजा हैं। ओहो, आई एम सो सॉरी गोबे, सॉरी। साहब जी, ये इनकी बिटिया शुभांगी। नमस्ते। और ये शक्ति सिंह जी का तोता, I mean पोता। Hi, are you listening? Hi. हम उसे टिश्यू कहते हैं। अंकल, अंकल हमारे सिर में घंटी सी बज रही है। बेटे तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, ये तुम्हारे सोने की घंटी का अलार्म है। टिंग 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 टिंग। आपकी गोल्फ बॉल इसके सर में लग गई थी। Oh, is that so? I'm so sorry, my little boy. ठीक है यार। नहीं नहीं भाई, उसको बॉल बॉल लगी है, चोट वोट आई होगी। ठीक है यार। I must say sorry भाई, मेरा निहाल। साहब जी ये फिर भी आई एम सॉरी। अरे ठीक है यार पापा, मैं उसे देख कर आती हूँ। जाओ बेटी, जाओ जाओ स्वीट गर्ल। अरे आओ ना, बैठो ना।
अरे भाई तुम हमारे बगल में रहते हो और हमें आज तक बताया नहीं। भाई हुआ ऐसा कि हम अभी अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आए। राजा साहब यही वो ओएसडी साहब हैं जो मेरा काम करवा रहे हैं। मुली कम ऑन डोंट मेंशन इट। हाँ भाई मगर वो तुम्हारे काम का हुआ क्या, जमीन मिल गई तुम्हें? जी नहीं, जमीन तो नहीं मिली अभी तक। क्या मतलब? अरे भाई हमने नोट लिख कर दिया था तुम्हें। साहब जी वो नोट हम ले गए थे वहां पर, लेकिन वो जो अफसर हैं जिन्होंने जमीन देनी है या तो वो आते ही नहीं है या फिर छुट्टी पर रहते हैं, पता नहीं। ऐसा क्यों होता है मुली? स्ट्रेंज। तुम एक काम करो, वो जो कागज मैंने तुम्हें दिया था ना वो वापस ले आओ, मैं उस पर दूसरा नोट लिख देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी अच्छा। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? साहब जी वो कागज तो हमने इंस्पेक्टर साहब को दे दिया। कौन से इंस्पेक्टर? वो अपने गांव के इंस्पेक्टर, अब ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गए थे, मुझे मिले थे कल, आपका पता पूछ रहे थे, उसी कागज पर लिख कर दे दिया। मैं कल ले आऊंगा। ठीक है तुम कल ले आना। मुली कुछ पियोगे? बड़ी गर्मी है भाई, कुछ शरबत वरबत हो जाए। शरबत ले आओ। अच्छा अभी लाया साहब जी, अभी लाया। अरे गोभी अब तो हम नेक्स्ट डोर नेबर्स हो गए, किसी दिन गोल्फ खेलेंगे साथ में। गोल्फ तो आती है ना? ये गोल्फ तो ठीक है, हमें इंडियन गोल्फ बहुत अच्छी लगती है। इंडियन गोल्फ? गिली डंडा। अरे हाँ गिली डंडा, भाई हमने भी बहुत खेला है बचपन में, बहुत खेला है। क्या कहते उसे? गिली डंडा। गिली डंडा, मैं यही तो बोला था। क्या दिन थे वो, क्या जमाना था वो। भाई देसी गेम के सामने तो हर गेम पानी भरती है। हाँ अरे ये सब गोल्फ और लॉन टेनिस ये सब तो क्या फालतू है, फालतू कंचे के सामने। कंचे? अरे कंचे से याद आया, कंचों में तो मैं एक्सपर्ट था, चैंपियन था, ये बड़े बड़े कनिस्टर में जीत के लाता था कंचों में, याद है? तो मैं भी तो कनिस्टर भर भर के जीत के लाता था फिर हार जाता था। ये मैं कहने वाला था। लेकिन एक गेम थी जिसमें मैं कभी नहीं हारता था, कबड्डी। कबड्डी 3 मिनट तक सांस रोककर मैं ऑपोजिशन लाइन में घुस जाता था और कबड्डी 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 खेल जाते सबको हरा देता था। अच्छा अच्छा तो फिर खेले कबड्डी? ओके कम ऑन कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आजा गोभी आजा, आज तुझे हरा खेल। अरे क्या चल आजा। तू तो बाउंड्री के बाहर निकल जा रहा है, इस तरह तो कबड्डी कबड्डी कहते कहते हम लोग शहर से जंगल में पहुंच जाएंगे और तू जिंदगी में आउट नहीं होगा। ओके 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 चल अब तू जा, मेरी बारी है, मैं आता हूँ। कबड्डी 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 में भी जीत गया। अरे जीत गया मैं। सालों का मेरा कबड्डी का रिकॉर्ड तुमने तोड़वा दिया। आप दोनों कबड्डी खेल रहे थे और क्या? पापा यू आर अ लिमिट है ना लूजर। एक तो हरा दिया। चलो मैं चलता हूँ। मगर हाँ वो निहाल से कहना कि कागज जरूर ले आए। मुली हाँ प्लीज देखना उसे इनाम मिल जाए, उसने डाकू को पकड़ा था। अरे भाई गोभी डाकू को तो तुम भी पकड़ सकते हो, मैंने तुम्हारी ग्रिप देखी बड़ी सॉलिड है। फिर खेलेंगे कब? खेलेंगे जरूर, मगर घर में कोई नहीं होता, नहीं तो फिर तुमको बहाना मिल जाएगा हारने का। निहाल निहाल निहाल। जी राजा साहब। अरे भाई हमें नींद नहीं आ रही, इन मच्छरों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। माफ कीजिएगा, आप कहे तो मैं लोबान जला दूं। अरे कुछ भी जलाओ मगर इन मच्छरों को यहाँ से दफा करो। जी हम जब राजा थे तब किसी मच्छर की हिम्मत नहीं थी कि हम पर आकर हमारे महल में घुसकर हम पर हमला करें। निहाल निहाल। लगता है तलवार से काम लेना पड़ेगा। जी ये कौन? अरे मैं ही हूँ।
सब मच्छर। अरे ये टिश्यू पेपर कहाँ उड़ गया? चलिए आपके कमरे में लोबान जला भूत भूत तो होते नहीं ना? बिल्कुल नहीं होते हैं, आपको वहम है। पापा ये कौन शोर मचा रहा है? पता नहीं बेटी, चल 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 देखते हैं। चले चल 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 जंगल सिंह यहाँ? राजा साहब ये तो डाकू जंगल सिंह है। अरे वो तो ठीक है मगर ये कौन है? ये तो कुंवर है, इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। कुंवर जी खुद सोते में और हमारी नींद उड़ा दी। राजा साहब आप ही पकड़िए, मैं जंगल सिंह को पकड़ता हूँ। जंगल सिंह पिछली बार तुम नहीं पकड़ कर अंदर करवाया था निहाल जी। अरे आज तो छोड़ दो। अब उठ भटकती आत्मा। कुंवर अब उठ धरती के बोझ। कुंवर अब उठ। गुड मॉर्निंग बेटी, इसके कमरे में ले जाकर इसका गुड नाइट कर दो। सुबह साहब आकर निपटेंगे तुमसे। निहाल क्या दुश्मनी है, दोबारा मिला अब जिंदगी में कभी मत मिलना, कभी नहीं कभी नहीं। सब चलता। अच्छा साहब वो कागज अगर मुझे मिल जाए तो? कौन सा कागज? वो जिस पर आपने पता नोट किया था। ओ हाँ जरूर। लो भाई शुक्रिया साहब। अच्छा शुक्रिया। अरे भाई मूलचंद कल रात को तो निहाल ने कमाल कर दिया। अरे राजा साहब इसके बहादुरी के कारनामे से तो हम पहले ही वाकिफ हैं। भाई सुना है तुमने कल भी एक डाकू पकड़ लिया? ढिचकियां। भाई इसके बदले में हम तुम्हें एक इनाम और देंगे। अरे साहब जी जो इनाम पहले मिला है अगर वो मिल जाए तो गनीमत है। अरे हाँ वो कल इंस्पेक्टर साहब से जाकर हम वो कागज ले आए जो आपने मंगाया था। वो कागज कागज लाओ लाओ लाओ। इस कागज पर हम लिख देते हैं अर्जेंट, यानी फटाफट। अब फौरन ये कागज लेके तुम उस अफसर के पास जाओ और फौरन जाके फटाफट अपनी जमीन ले आओ। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा साहब चलता। और बेहाल निहाल 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 कहाँ जा रहे हो? जमीन लेने जा रहा हूँ जी। जमीन लेने जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, लेकिन दुआ कीजिए वो दफ्तर वाले साहब आज ड्यूटी पर आ जाएं बस। जरूर आएंगे देखना। अच्छा जी। अच्छा कौन कौन है? हम हैं यहाँ के नए साहब। शर्म नहीं आती? चपरासी होकर साहब की कुर्सी पर ऊँगते हो? ऊँगना है तो बाहर जाकर अपने स्टूल पर ऊँगो। जी साहब ये दफ्तर है कि कबूतर खाना? पहले था अब तो घोंसला नहीं है कबूतरों का। ये बदबू बदबू कहाँ से आ रही है इतनी? खिड़की खोलो। खिड़की तो कभी खुली नहीं साहब। आप खोलो आप खोलो यहाँ खोलो। खिड़की तो जाम है साहब। सिटकी नहीं खोलो सिटकी नहीं। गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? पीछे भैंसों का तबेला है साहब। बंद करो फौरन बंद करो खिड़की। पंखा चेंज करो पंखा। पंखा तो फुल पे है साहब। ये फुल है? हाँ साहब। हे भगवान मुझे कुछ कहा आपने? तुम्हारा नाम भगवान है? हाँ साहब।
तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, ऊपर वाले भगवान से कह रहा हूँ कि मेरा तबादला यहाँ करवाने के बजाय किसी काले पानी में भेज देता। एक ग्लास वो क्या कहते हैं पानी मिलेगा? पानी अब यहाँ के तो सब ग्लास टूट गए साहब, जग में लाओ। जग भर के ले आओ। हाँ साहब। फसवा दिया। निहाल की फाइल, अरे इसी फाइल की वजह से मेरी एक गठ हुई है, मेरा तबादला यहाँ पर वो है। मैं इस फाइल को तो ऐसा गुम करूंगा कि फरिश्ते भी नहीं छू सकेंगे। साहब जी। क्या? साहब जी एक छोटा सा काम था। अरे आप साहब जी, आप यहाँ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अरे काम क्या है, काम बोलो। साहब वो अपने ओएसडी साहब है ना, उन्होंने ये कागज भेजा है आपके नाम। कागज दिखाकर धोस देते हो? कागज से क्या होता है, दफ्तर का काम है, कानून कायदे से होगा। कागज रख दो, हम देख लेंगे, जाओ। फिर क्या? नहीं मतलब मैं फिर कब आऊं? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आपकी मर्जी हो तो आइए वरना मत आइए। लेकिन साहब जी मैं क्या करता हूँ, निकलो ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की।